धर्मनगरी में कल 2 दिसंबर से आरंभ होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें गीता महोत्सव में होने वाले कार्यों की जानकारी दी गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ गीता मुनिषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज, राज्य खेल मंत्री संदीप सिंह, सांसद नायक सैनी, विधायक सुभाष सुधा, जिला अध्यक्ष राजकुमार सैनी मंच पर मौजूद रहे। श्रोत्री प्रतियोगिता 21 नवंबर से ये शुरू की गई है, इसमें भी 8 दिसंबर तक ये चलेगी। अभी तक 55,000 से ज्यादा लोगों ने इस पर अपना पंजीकरण कर लिया है। स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान, 75 स्वतंत्रता सेनानियों का और उनके परिजनों का ये भी सम्मान किया जाएगा। 75 वर्ष पूरे हुए हैं तो इस बार ऐसा विचार किया कि ऐसे परिवार, 75 परिवार, हालांकि स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों यानी उनकी अपनी संख्या तो कम होती जा रही है, तो उनके जो परिवार हैं उनको सम्मान करने के लिए बुलाएंगे। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की ओर से स्वदेश दर्शन योजना, इसके अंतर्गत कुरुक्षेत्र को कृष्णा सर्किट में शामिल किया गया है, जिसके लिए हमको 97 करोड़ रुपए की राशि ये मिली है, जो अभी ब्रह्म सरोवर, नरकातारी, ज्योतिसर, सन्नित सरोवर और शहर के अन्य विकास कार्य, इन सब में उसको लगाया गया है। तो ये सारा जो विकास हम देख रहे हैं, इसमें केंद्र सरकार का भी भरपूर हमको योगदान जो है वो मिला है। स्वच्छता के नाते भी इस कुरुक्षेत्र नगर का बहुत ध्यान रखा जा रहा है। हमने इसको एक अभियान चलाया, एक योजना बनाई है, दिव्य कुरुक्षेत्र योजना। तो दिव्य कुरुक्षेत्र योजना में स्वच्छता अभियान, ये क्योंकि मेला क्षेत्र है तो सफाई रखना बहुत आवश्यक है, इसलिए मुझे खुशी है कि भारत के 30 स्वच्छ शहर हैं, उन 30 स्वच्छ शहरों में और ब्रह्म सरोवर को इसको शामिल किया गया है। ज्योतिसर में जो है वो 40 फुट की प्रतिमा वो बनाई गई है, लगभग उस पर 13.5 करोड़ रुपए की लागत आई है।